तो आ चुका है तुम्हारा फेवरेट कार्टून, कार्टून्स की रियल लाइफ चीजें देखने के लिए। यस दैट वाज नाइस। आज हम देखने वाले हैं तुम्हारे और मेरे फेवरेट कार्टून्स की बहुत सारी चीजें जो कि होती है रियल लाइफ में लेकिन हमें पता नहीं होता है। एंड आज हम सारी की सारी चीजें पता कर लेंगे, सारी चीजें। एंड ये वीडियो बनाई है टेक यूनिक चैनल ने। इस वाली वीडियो में बहुत सारी नई चीजें हैं, तो यस आ जाओ स्टार्ट करते हैं। रियल लाइफ में देखकर आप भी जैक को दुनिया का पापा कहने लग जाओगे। ऐसा कौन सा डोरेमोन बेस्ट मॉन्स्टर ट्रक है जिसे आप रियल लाइफ में खरीद सकते हो, और कैसे आप भी टॉम एंड जेरी की तरह रियल लाइफ में इनविजिबल हो सकते हो? भाई अगर आप भी जैक को भाई आई एम स्टिल स्टक ऑन द गैजेट पार्ट। कोई ऐसा गैजेट है डोरेमोन का जो हम रियल लाइफ में खरीद सकते हैं? एंट नो वे, रुको भाई, कुछ ज्यादा ही नई चीजें होगी मेरे लिए। रियल लाइफ में इनविजिबल हो सकते हो भाई, अगर आप भी जैक को दुनिया का पापा मान दे तो इस वीडियो को आप भी लाइक कर दो। नंबर वन, जैक की ये मॉन्स्टर का तो आपने जरूर देखी होगी। जैक की ये कार रियल में कुछ ऐसे दिखती है। अब ये रियल लाइफ की जैक की कार, ओह माय गॉड भैया, ऐसे लग रहा है जैक की गाड़ी और स्पाइडरमैन का जो वो क्या नाम होता है, मैं उसका नाम कैसे भूल गया, वो ग्रीन कलर गॉब्लिन, उसका ऐसे मिक्सचर करके गाड़ी बना दी गई है। बट ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार्स है, इसका नाम है लैंड रोवर डिफेंडर। एंड यस ये मॉडिफिकेशन करके भाई, लुक एट इट, क्या प्यारी चीज है। जैकी ये कार रियल में कुछ ऐसे दिखती है। अब ये रियल लाइफ की जैकी कार तो नहीं है, बट किसी ने इसे उसी तरह मॉडिफाई कराया है जो yep. जैक की तरह ग्रीन कलर की है। हमें नहीं, ये लैंड रोवर नहीं है। ओगी की कार थोड़ी ओल्ड स्टाइल जैसी लगती है, कुछ कुछ एम्बेसडर जैसी, लेकिन ये कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। और Volkswagen Beetle, 29 लाख रुपए की है गाड़ी। ओगी यू रिच बॉय। और इस कार का नाम है Volkswagen Beetle जो 1960s में लॉन्च हुई थी। नंबर 2, डोरेमोन की हर कोई अपने लाइफ में जरूर चाहता है। डोरेमोन में आपने बैम्बू काउटर तो देखा ही होगा, लेकिन सेम ऐसा ही गैजेट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर, जिसे एग्जैक्टली सर पे नहीं लगा सकते तुम इसे, बट ये सर के ऊपर ही है तो बैम्बू कॉप्टर ही लग रहा है। भाई आज से 20 या 40 साल पहले अगर लोगों को तुमने ये वाली फोटो दिखा दी होती ना, वो लिटरली मानते ही नहीं इन चीजों को, बोलते ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एलियंस हैं। बट अगर तुम्हें नहीं पता तो फॉरेन में कुछ डिलीवरीज भी ऐसे हो रही है। ऐसा ही गैजेट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर, जिसे पहनकर आप हवा में उड़ सकते हो, जिसकी कीमत सिर्फ 50 लाख के अप्रोक्स है। तो आप सिर्फ 50 लाख गई, सिर्फ गल्ला खोलो और निकालो, गल्ले में से 50 लाख है ना, सिर्फ छुट्टे हैं देव, जिसकी कीमत सिर्फ 50 लाख के अप्रोक्स है। तो आप इसे खरीद कर अपनी लाइफ के डोरेमोन बना के अपनी जिंदगी संभाल सकते हो। आपने डोरेमोन के एपिसोड में लाइंग मिरर नाम का गैजेट सुना होगा, इसमें देखकर हम अच्छे दिखने लगते हैं, बट आप कह सकते हो कि ये मिरर रियल लाइफ में हमारा फोन बन गया है, जिसमे हम इंस्टा और स्नैपचैट के फिल्टर्स यूज करके अच्छे दिख सकते हैं। ओके सो या फेयर इनफ, ही इज राइट। तुम्हें पता है आजकल का जमाना फिल्टर लगा के कोई भी कुछ भी बन जा रहा है, रियल लाइफ में कुछ और फिल्टर लगा के कुछ और, विच इज काइंड ऑफ झूठ बोलना। नाइस कैच। निंजा हथोरी डोरेमोन और बहुत सारे कार्टून में आपने विधवा डॉल तो देखी होगी, जिसका नाम है टेरू टेरू बुजु, जिसे सफेद कपड़ों में रखा जाता है। शायद इसके बारे में सुना था। जापान में रियल में एग्जिस्ट करता है, जिसे खिड़कियों पर टांग देते हैं, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि इन गुड़ियों से मांगने पर साफ वेदर मिल जाता है। ये बड़े स्पोर्ट इवेंट या किसी इम्पोर्टेंट दिन से पहले लोग करते हैं। कुछ तो फ्लैशबैक आ रहा है किसी एपिसोड का। ये वाली डॉल्स लगा रहे थे ताकि वेदर खराब ना हो, बारिश ना हो, कुछ किसी तो एपिसोड में हुआ था, या तो डोरेमोन के या तो निंजा हथौड़ी के। स्पोर्ट इवेंट या किसी इम्पोर्टेंट दिन से पहले लोग करते हैं, लेकिन ये करने के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉल कोई बाल्ड मंक है जिसमें वेदर चेंज करने की पावर थी। डेमन स्लेयर दुनिया का सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी स्टोरी जापान में शुरू होती है और टोक्यो की अशाशुरा डिस्ट्रिक्ट तक आती है। 1920 के अशाशुरा डिस्ट्रिक्ट को इस आई एम सॉरी ठीक नहीं भाई, यू आर साउंडिंग वेरी क्यूट एंड फनी, प्लीज माइंड मत करना, ठीक है भाई सॉरी। अरे यार सच्ची मैम, ठीक है कोई बात, दोबारा सुनो। टोक्यो अशाशुरा डिस्ट्रिक्ट तक आती है। 1920 के अशाशुरा डिस्ट्रिक्ट को इस एनिमे में बहुत अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है। किसी कंपैरिजन के लिए देखना बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि इस बात से पता चलता है कि टाइम के साथ साथ कैसे चीजें बदलती हैं और कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। नोबिता की लेजी होने की वजह से डोरेमोन कुछ देशों में बैन कर दिया गया था, क्योंकि नोबिता बहुत लेजी लड़का है। आई वोंट से दिस इज अ स्मार्ट मूव, बट एक्चुअली में ट्रू है। लोग ना यार स्पेशली बच्चे जो भी देखते हैं, जो भी उससे इंस्पायर
इंस्पायर हो जाते हैं अननोइंगली। एंड तुम्हें पता ही है नोबिता कितना ज्यादा आलसी और कितना ज्यादा नालायक बच्चा था, बट उसकी जिंदगी संवारने के लिए डोरेमोन था। लेकिन रियल लाइफ में बच्चों को कौन समझाए, तुम्हारे लिए कोई डोरेमोन नहीं आने वाला है, तुम खुद के ही डोरेमोन हो। नोबिता बहुत लेजी लड़का है जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है, और इनके हिसाब से ये बच्चों पर पूरा असर डालेगी। आपने डोरेमोन में ये डोरा किक्स देखे होंगे, ये भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। यार ये खाने के नाम से जाना जाता है, जिन्हें खाने के लिए आपको जापान जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हें घर पे बना सकते हो। अच्छा। भाई इतने मजेदार चीजें कौन ही बताएगा, तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब मार दो भाई। लेकिन ये घर पे एग्जैक्ट बन जाएंगे क्या हमसे? आई डोंट नो, वो वाली फीलिंग नहीं आएगी जो जापान जाके खाने में आएगी। तो यस चलो जापान चलते हैं। नंबर 6, टॉम एंड जेरी के इनविजिबल इंक वाले एपिसोड में जेरी को एक इंक मिलती है जो उसे इनविजिबल बना देती है। ऐसे इनविजिबल करने वाली चीज बहुत सारे एपिसोड में दिखाई गई है। मैंने नहीं देखा, जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये इनविजिबल शीट है जिसके पीछे बंदा देखने पर भी दिखाई नहीं देता। एग्जैक्टली ये जगह शीट इनविजिबल है, जिसके अगर कपड़ा बना दिया जाए तो इंसान और बहुत सारी चीजें भी इनविजिबल हो सकती है भाई। बट इंसान आजकल के बहुत ही ज्यादा अच्छे है ना, तो मेरे को लगता नहीं है ये चीजें बाहर आनी चाहिए। यस बहुत ही ज्यादा त्राहीमाम मच जाएगी, बहुत दिमागदार लोग हैं आजकल, तो यस दूर रखो इन चीजों को। 7, रटाटुई खुद में एक बहुत ही फेमस मूवी है, चूहे वाला कार्टून, बहुत सारी रियल लाइफ चीज है, लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है जैसे ये चीज कार्टून नहीं बल्कि रियल है, क्योंकि उसका एनिमेशन भी इतना ज्यादा कमाल का है। रटाटुई मूवी ने बहुत सारी फ्रेंच डिशेस बनाता है जो बनाई तो फिक्शन के तरीके से है, लेकिन उन सारी डिशेस को आप रियल लाइफ में टेस्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा फ्रेंच की वेजिटेबल डिश बनाई जाती है। नंबर 8, आपने डोरेमोन कार्टून में नोबिता का घर और उसके घर के आसपास की सोसाइटी तो देखी होगी, जो देखने में बहुत पीसफुल और शांत लगती है, पर वो भाई क्या प्यारा व्यू है, इसको पूरे दिन बैठ के देखो। तो देखी होगी, जो देखने में बहुत पीसफुल और शांत लगती है, पर वो पूरी जगह रियल जगह से इंस्पायर्ड है। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हो, इस जगह का नाम है सेंट्रल चीबा, जो जापान में है, ये देखा है हमने। डोरेमोन भी कहा जाता है। ये जगह डोरेमोन कार्टून से बहुत ज्यादा सिमिलर लगती है। Exactly. देखने से आपको भी बचपन की याद आ गई होगी भाई, बचपन की याद। और ऊपर से तुमने नोटिस किया होगा उनकी स्ट्रीट्स कितनी क्लीन है, सब कुछ कितना ज्यादा परफेक्ट, एकदम क्लीन। हमें कुछ चीजें अडेप्ट करनी चाहिए, ये वाली चीजें अडेप्ट करनी चाहिए रादर देन वो सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर। आखिर ये कार्टून कैरेक्टर्स रियल लाइफ में आ जाएं तो कैसे दिखेंगे? लेकिन ऐसे भी कैरेक्टर हैं जिन्हें रियल लाइफ से ही उठाया गया है, जैसे पोपोई को फ्रैंक फीगल से, जिन्हें रियल लाइफ में भी स्पिनच खाने का शौक था, उन्हें वहाँ से लिया गया है। भाई तो सिमिलैरिटीज, गॉड डैम इट, पोपोय मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्टून था एक टाइम पे। मैं तो उस टाइम पे कुछ ज्यादा छोटा हुआ करता था, पर मेरे को याद है मैं बहुत देखता था, एंड रिची रिच करके भी आता था एक, ये दोनों कार्टून मैं उस टाइम पे बहुत देखता था। उस टाइम पे तो डोरेमोन का नामो निशान भी नहीं था, मतलब इंडिया में टेलीकास्ट नहीं होता था। फ्रैंक फीगल से, जिन्हें रियल लाइफ में भी स्पिनच खाने का शौक था, उन्हें वहाँ से लिया गया। ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैसेज था। आर्नोल्ड से इंस्पायर था। डिज्नी का अलादीन बहुत फेमस कार्टून है, जिसे आप यकीन नहीं करोगे किससे उठाया गया है। एक सेकंड इसका फेस देखो, मैं हिंट देता हूँ, इसे एक बहुत फेमस हॉलीवुड एक्टर से उठाया गया है। डिज्नी वालों को अलादीन के फेस के लिए कोई जॉयफुल फेस चाहिए था, इसलिए उन्होंने टॉम क्रूज से इंस्पायर होकर इसके फेस को डिजाइन किया था। इज इट ट्रू? ये आई मीन सिमिलर लग रहा है भाई, अगर ये है तो क्रेजी। टॉम क्रूज से इंस्पायर होकर इसके फेस को डिजाइन किया था, पर अगर ये रियल लाइफ में होगा तो वो कैसा दिखेगा? ये रियल लाइफ तो नहीं, पर अगर वो रियल लाइफ में होता तो वो प्रोबेबली कुछ ऐसा दिखता। ओके अब मूवी के चाचा रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं। वो अब मूवी के चाचा, अरे भाई डिट्टो, ये ऐसे लग रहे मिस्टर बीन अगर वो थोड़े और ओल्ड हो जाएंगे, है ना? लग रहे तुम्हें भी कुछ ऐसे दिखते हैं। मुलान की एक लाइव एक्शन मूवी भी आई थी जिसमें मुलान कुछ ऐसे दिखती थी। ऑगी एंड द कॉकरोचेस बहुत लोगों का सबसे फेवरेट कार्टून है, और मुझे तो कुछ एपिसोड अभी तक बहुत पसंद आते हैं। लेकिन ऑगी में फॉर रियल नाम का एक एपिसोड है, जिसमें ऑगी, जैक, कॉकरोचेस और साथ में बॉब का रियल वर्ल्ड फेस दिखाया गया है। ऑगी कुछ ऐसा दिखता है, जैक कुछ ऐसा, कॉकरोचेस तो सच में कॉकरोच है, सबसे ढिंजल तो बॉब लग रहा था। ओके यप, मेरे को याद आ गया वाला एपिसोड, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे क्या हो रहा है, एंड मैं ऑलमोस्ट उदास हो गया था कि इन्होंने मेरा फेवरेट कार्टून चेंज कर दिया। अब मेरे को हंसी आ रही है, सच बताऊं यार मैं बचपन में ऐसा क्यों था, सबसे ढिंजल तो बॉब लग रहा था। नंबर 11, डोरेमोन की आवाज को मोस्टली लोग जानते हैं किसने दी है, लेकिन आज मैं आपको डोरेमोन के सारे एक्टर्स के रियल वॉइसेस दिखाने वाला हूँ। अच्छा? वो भी लाइव डबिंग के साथ। जैसे कपिल शर्मा शो को सब लोग जानते हैं, डोरेमोन की आवाज सोनाल कौशल ने दी है, जो ऐसी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरेमोन, नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नेक्स्ट, नोबिता की सबसे अच्छी दोस्त सुजुका और सुनियो की शो ऑफ मम्मी की आवाज एक ही लेडी ने दी है। नेक्स्ट, इसे देखकर लगता है ये पूरी यूनिवर्स
का सबसे अमीर बच्चा है जिसके पास सब है। सुनियो, जिसकी आवाज वजाहत हसन ने दी है और एक लेडी है जिन्होंने डोरेमोन की 6 कैरेक्टर्स को आवाज दी है, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इनका नाम है पल्लवी भारती। ये एक्टर और एक वॉइस एक्टर है जिन्होंने नोबिता की मॉम, जियान की बहन, डोरेमोन की बहन, शिजुका की मम्मी, जियान की मम्मी और नोबिता का जानी दुश्मन डेकी सुगी को भी आवाज दी है। What? फिर talk about the versatility. अबे इतना versatile voice. Material. ऐसे बहुत सारे cartoons हैं जिसमें character कोई photo या digital copy लेते हैं और एक machine वो same चीज बना देती है। लेकिन ये अब reality है क्योंकि 3D printing एक ऐसी machine है जिसमें आप digitally design बनाकर आप कुछ भी बनवा सकते okay, हो। Yeah, 3D printer. Status या पूरी की पूरी building जो दुबई में बन चुकी है। Nematotin. Yep. Benton का ये gadget अब real life में exist करता है जिसे आप भी खरीद सकते हो। Benton के एक episode में उसे मिलने एक petrol सेपियन आता है जो डायमंड हेड जैसा होता है। डायमंड हेड भी एक पेट्रोल सीएम है और उसके पास एक बहुत ही कूल होवर बोर्ड होता है जिससे वो ट्रैवल करता है। लेकिन आप ऐसे रुक जा, बात करने दे इसके बारे में। भाई दिस आउटफिट इज सो कूल। आज भी बचपन में भी मुझे लगती थी और आज भी। बहुत ही कूल होवर बोर्ड होता है जिससे वो ट्रैवल करता है। लेकिन आप ऐसे बोर्ड्स आ चुके हैं जो सेल्फ बैलेंसिंग होते हैं और आपने होवर बोर्ड तो देखा ही होगा जो बिल्कुल बेन के होवर बोर्ड की तरह मूव करता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि वो उड़ नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर अरे मुझे लगा उड़ने वाले। मूवी को एवरेज मूवी कहा जाता है, लेकिन कुछ भाई किसने बोला एवरेज मूवी? मेरे सामने लेके आना जरा। आई मीन यार कम ऑन, कार्स कैसे एवरेज होने लग गई, कब होने लग गई? भाई बहुत पिटेगा जिसने भी एवरेज बोला होगा ना, मेरे सामने लेके आओ। लोगों के लिए कार्स मूवी एक इमोशन है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा एक कार की वजह से Lightning जो McQueen. है लाइटिंग मक्वीन जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है और ये कुछ ऐसे दिखती है और इसके इंजन की आवाज से लग भी रहा है कि ये कार सच में बहुत फास्ट होगी। अब ये रियल पीस तो नहीं है लेकिन इसको मूवी को देखकर बनाया गया है। नंबर 15, स्पंजबॉब को किससे इंस्पायर होकर बनाया गया था ये जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। स्पंजबॉब के क्रिएटर स्टीफन हिलनबर्ग को मरीन लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, खासकर एक कॉमिक थी जो सी क्रिएचर्स के बारे में एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। स्पंजबॉब की ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी खुद इसके क्रिएटर हिलनबर्ग के जैसी रखी गई है क्योंकि वो भी हार नहीं मानते थे और स्पंजबॉब भी अपने सपने पूरे करने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है। डूड फेशियल फीचर्स थोड़े लग रहे हैं इनकी तरह लग रहे हैं अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। डूड लुक एट दिस फोटो। मैं ये नहीं कह रहा स्पंजबॉब की तरह दिख रहे हैं बट मैं फेशियल फीचर्स की बात कर रहा हूं, जैसे आंख, नाक और मुंह। एंड यस, ये तो मैं बता के थक गया हूँ। स्पंजबॉब मेरा फेवरेट कार्टून है आज भी, तो यस तुम्हें पता ही होगा। कम ऑन, एक टाइम था मेरे वॉलपेपर पे 4 साल तक सिर्फ स्पंजबॉब था। यस, रख तो मैं आज भी सकता हूँ बट सोसाइटी है मुझे रखने नहीं देगी, मुझे मैन चाइल्ड घोषित कर देगी। नंबर 16, शर्लॉक होम्स। ये एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके दिमाग में छोटी सी छोटी डिटेल भी रहती थी जिसकी वजह से इसे बचना मुश्किल था। वैसे तो ये कोई कार्टून नहीं है लेकिन बहुत सारे एनिमेटेड अडैप्शन में इस कैरेक्टर का अपीयरेंस हुआ है जिसे रियल लाइफ डॉक्टर जोसेफ बेल से इंस्पायर होकर लिखा गया था, जो एक सर्जन थे। वो भी बहुत छोटी चीजों पर ऐसे ही ध्यान देते थे। नंबर 17, क्या आपको भी कोई गटर में रहने वाली चीज पसंद है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ मेरा दोस्त। अरे यार मैं क्यों बजाता हूँ इतने दोस्तों की। नहीं, हाँ क्या आपको भी कोई गटर में रहने वाली चीज पसंद है? क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की, जो गटर में रहते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। टीनेज म्यूटेंट की सबसे फेमस चीज है उनकी कार जिसे एक बंदे ने बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश की है और उसके अंदर टर्टल भी बिठाए हैं, गन्स भी लगाए हैं और भी बहुत सारे डिटेल्स पर ध्यान दिया है जो सच में काबिले तारीफ है। अगर आप भी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के फैन है और ये कार अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक आप भी कर दो। Nice. आपको पता है बैटमैन में भी एक सुपर पावर है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपने भी सुना होगा अमीर होना ही बैटमैन की सुपर पावर है, शायद इसी वजह से बैटमैन के पास इतनी कूल कार्स और oh my God, dude, ऐसी सेम दिखने वाली एक बाइक भी है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई मीन सेम नहीं दिखती है बट डूड लुक एट दिस बाइक ओ माय गॉड, चलती फिरती बैटमोबाइल। बाइक्स हैं जो लोगों ने भी अलग अलग तरह से क्रिएट करी हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको इसमें से सबसे मस्त कार या बाइक कौन सी लगी कमेंट में जरूर। मुझे सब लगी, सब बढ़िया। डायनामाइट को वैसे तो कार्टून्स में फन के लिए डाला जाता है जिससे हमारे फेवरेट कैरेक्टर ब्लास्ट होते रहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में फन नहीं होता है। सुपर हीरो तो एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, इन्हें कुछ होता ही नहीं। डायनामाइट नाम से एक्सक्लूसिव रियल में एग्जिस्ट करता है जिससे बिल्डिंग्स को सेकंड्स के अंदर तहस नहस करने का काम आता है। नंबर 20, एंड बिल्डिंग्स, ब्रिजेस,
जो भी अनकंस्ट्रक्टेड अनप्लान्ड बिल्डिंग्स होती हैं, उन सबको ये चुटकियों में गिरा सकता है। एंड तुम्हारा फेवरेट कार्टून बस कुछ नहीं होता उसे, बस वो थोड़ी देर के लिए भुन जाता है। अरे भाई रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। मुझे भी जब पता चला था डायनामाइट इतना पावरफुल होता है, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। इस खाने से शायद आप भी अपने डॉगी से जो मन चाहे करवा सकते हो, क्योंकि स्कूबी डू कार्टून में वाल्मा, फ्रेड और डैफने को जब भी कोई डेंजरस काम या किसी मॉन्स्टर का खाना बनना हो तो स्कूबी डू को ही आगे कर देते हैं और उन्हें स्कूबी डू स्नैक्स का लालच देते हैं, जिसकी वजह से वो खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन ये स्नैक्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे बहुत सारी कंपनीज ने वही से इंस्पायर होकर बनाया है। पर इसे खिलाने से ऐसा थोड़ी ना हो जाता होगा कि कुछ भी कर ले डॉगी यार, कम ऑन। दोबारा मैं याद दिला दूं, बहुत गंदे लोग रहते हैं इस दुनिया में। बाकी यस, मैं मिलता हूं तुमसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। पीट पे गदर मचेगा, खटेगा यो पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।